नमस्कार। आधार कार्ड से निकासी करने वाले रिटेलर के लिए दो बड़ी खबर। आपको बता दें, आधार कार्ड से निकासी यानी कि एईपीएस संचालक के लिए दो बड़ी अपडेट, जो कि एक खुशखबरी है और एक दुखखबरी है। यानी कि एक आपको अच्छी न्यूज मिलने वाला है और एक खराब न्यूज। चलिए जानते हैं जुलाई महीने में क्या अपडेट होने वाले हैं। आधार कार्ड से निकासी पर नियम बदल जाएंगे, ये जानकारी आपको जान लेना चाहिए यदि आप आधार कार्ड से निकासी का काम करते हैं और किसी भी कंपनी का आईडी चलाते हैं, तो ये अपडेट आपको बिल्कुल जान लेना चाहिए। लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इजी केसमेंट चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही तमाम एईपीएस सीएसपी आधार कार्ड से निकासी संबंधित ही हमारा ज्यादातर वीडियो होता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बता दें, दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आधार कार्ड से निकासी करने वाले रिटेलर के लिए। एक राहत की खबर है और एक बुरी खबर है। तो ये दोनों ही खबर को हम लोग जानते हैं एक एक करके। आपको बता दें, यदि आप आधार कार्ड से निकासी करते हैं तो सभी कंपनी के लिए सामान्य रूल होते हैं, सामान्य नियम होते हैं, जो जुलाई महीने में बदल जाएंगे। क्या कुछ बदलेंगे सब कुछ जानते हैं। पहले आपको बता दें, नंबर वन में जो बड़ा बदलाव होने वाला है, यहां पे राहत की बात ये है, एईपीएस संचालक को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि रिटेलर को जो खुद का फिंगर देते हैं वहां पर राहत की बात आएगी, जो कि बार बार आपको अब रिटेलर को फिंगर नहीं देना पड़ेगा। प्रत्येक ट्रांजेक्शन में जो फिंगर आप देते होंगे वो अब आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक गुड न्यूज है कि भाई अब आपको बार बार फिंगर देने की झंझट खत्म हो गया, क्योंकि चार्ज भी कई सारे पोर्टल पर कटते थे। अब बात करें दूसरा अपडेट जो बड़ा निकल के आ रही है, वो दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि वहाँ पे आपको नुकसान होने वाला है। नुकसान ये है कि आपका जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है L0, सभी का सभी पुराने डिवाइस L0, मंत्रा फिंगरप्रिंट हो या मोर्फो हो, L0 सभी डिवाइस AEPS पर काम नहीं करेगा। यानी कि AEPS के अलावा अन्य जगह पे डिवाइस काम करते रहेगा, लेकिन आधार कार्ड निकासी के लिए आप पुराने डिवाइस को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको L1 डिवाइस नया लेना होगा। तो ये दो बड़ी अपडेट। कैसा लगा अपडेट नीचे कमेंट में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।